हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम पूनम किचन एंड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को, भाई आज है दशहरा, तो सभी जितने व्यूअर्स हैं और जितने फ्रेंड्स हैं सभी को मैं दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। विजयादशमी की शुभकामनाएं सभी को, हमारे मित्रों को। और आप बताइएगा आप लोग कैसे इंजॉय कर रहे हैं। मैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्लॉग लेके आई हूँ इलाहाबाद में किस तरीके से दशहरा सेलिब्रेट करते हैं और कितना अच्छा डेकोरेशन होता है। ये एक मेले का वीडियो है, मैं बहुत दिनों बाद गई हूँ। बचपन में हम लोग जाया करते थे, लेकिन अभी क्या है ना, धीरे धीरे कल्चर ऐसा आता जा रहा है, हम लोग सब सीमित होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने, जो मेरी फैमिली रहती है, बड़े पापा रहते हैं इलाहाबाद में, तो हम लोग वहाँ पे गए और उन सबके साथ में एंजॉय किया, बहुत ही अच्छा लगा। आप डेकोरेशन यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे क्या है ना, पंडाल जैसे पंडाल सजते हैं थोड़ी थोड़ी दूर में हर मोहल्ले का, तो देखकर बहुत अच्छा लगा। ये मेरी जेठानी है जा रही हैं और इनके साथ मैं हूँ, मेरी देवरानी थी, और बहुत क्या है ना, हमारी फैमिली ही रहती है इलाहाबाद में, तो सबसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। तो आप इस वीडियो में देखिएगा, अगर वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और आप लोग बताइएगा आप लोगों ने किस तरीके से दशहरा सेलिब्रेट किया। छोटे छोटे क्लिप्स हैं, आप देखिएगा और आप अपने व्यूज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थोड़ी थोड़ी दूर में खाने के स्टॉल लगे हुए थे इस तरीके से, वहाँ पे मतलब मिल रहा था खाने के लिए, और बहुत सारे झूले थे, बहुत ही ज़्यादा मतलब अलग माहौल मिला, क्योंकि हम लोग जब से बेंगलोर में शिफ्ट हो गए ऐसा माहौल हम लोगों को मिलता नहीं है देखने को। और हम लोग चले जाते हैं मॉल में, मॉल में जाते हैं, इंजॉय करते हैं, या तो जो फ्रेंड्स हैं उनके पास जाते हैं। तो हम लोग आ गए यहाँ पर, देखिए झूले ही झूले हैं बच्चों के इंजॉयमेंट के लिए, बच्चों के साथ साथ बड़े भी इंजॉय कर रहे थे। तो हमें तो, मुझे बड़े वाले झूले में बहुत डर लगता है, बड़ा वाला झूला ना बहुत बड़ा राउंड लेके आता है ना, मुझे बहुत डर लगता है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया बच्चों की वजह से कि इसमें जो कार हैं इसमें बैठते हैं, लेकिन ये भी इतना फास्ट होती हैं, यकीन मानिए मैं बैठी, पहली बार तो मैं बैठ ही नहीं पा रही थी, जब भी उसमें चढ़ने की कोशिश कर रही थी तो बार बार वो घूम रहा था। आप देखो इस वीडियो में, मुझे तो बड़ी स्ट्रगल के बाद मैं इसमें बैठ पाई, बहुत टाइम लगा मुझे। फिर मेरा बड़ा बेटा, मतलब कि हमारी जेठानी का बेटा, उसने हेल्प की कि नहीं चाची रुको मैं आपकी हेल्प करता हूँ, तब जाके मैं बैठ पाई। आप देखो, तो वही मैं सोची इसमें बैठना ही इतना टफ है, फिर भी मैं सिवाय के साथ में बैठी थी क्योंकि उसको डर ना लगे, लेकिन मुझे इतना खुद ही डर लग रहा था इसमें कि, लेकिन मैंने उसके सामने बिल्कुल भी नहीं दिखाया कि नहीं मुझे डर लगा, अगर मैं बोलती ना तो सीधा उतर जाता। और ये मेरी गांव में जो छोटे वाले जो चाचा हैं उनकी, नहीं बड़े चाचा हैं उनकी बहू है, ये देवरानी है मेरी। और ये देखिए यहाँ पे हम सब लोग, मतलब गांव में सभी लोग इकट्ठे होते हैं ना, और ये हमारी नंद है और ये जीजा जी हैं, सभी लोग मतलब यहाँ पे खड़े हुए हैं, बहुत ही मज़ेदार लगा।
और ये देखिए झूला, बड़ा वाला झूला देख के तो कोई भी उसमें नहीं गया। सब लोग सोच रहे थे कि वहाँ पे जाएंगे बट नहीं जा पाए क्योंकि बहुत रिस्की होता है, डर भी लगता है। और ये देखिए जितने भी झूले थे इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है थोड़ी देर बाद। तो अभी जैसे हम लोग इसमें बैठे हुए थे तब तक तो कोई बात नहीं है, इसकी स्पीड ना धीरे धीरे लोगों ने इंक्रीज कर दी, तब जाके मुझे डर लगा। लेकिन हाँ, कभी भी आप लोग ही बैठिएगा ना तो जो आगे ग्रिप होल्ड करने के लिए देते हैं ना वो ज़रूर पकड़ के बैठिएगा, तब आप इंजॉय कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा एडवेंचर पसंद है तो आप बड़े वाले झूले पे बैठिएगा और इंजॉय करिएगा। मुझे, मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी ना ही बच्चों के अंदर हिम्मत थी, तो हम लोग तो नहीं गए उसमें। ओह माय गॉड, इतनी तेज़ यहाँ पर इन्होंने स्पीड कर दी थी, जैसे ना सिर तो ऐसा लग रहा था जैसे हवा के साथ उड़ के बाहर गिरेगा, इतना मुझे मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड थी। किस तरह से होल्ड किया मैं ही समझ सकती हूँ। तो आप लोगों ने किया क्या इस तरह की झूले पे कभी बैठे हैं क्या? ये सब बचपन की यादें, इंजॉय भी बहुत करते हैं हम लोग। तो अच्छा तो बहुत लगा, मुझे भी अच्छा लगा, बिल्कुल अलग ही था। और यहाँ पे तो मेला नाम की तो चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है, कभी कभी ही हम लोगों को मिलता है। और जैसे मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ तो यूपी जब जाती हूँ, अपने घर जाती हूँ, तो वहाँ पर अगर कोई फेस्टिवल होता है तो फिर लगता है इस तरीके से फेयर लग जाता है, तो वहाँ पर हम लोग जाते हैं अपना अगर समय है तो। और लेकिन मैं मिस नहीं करना चाहती, मैं ज़रूर जाना चाहूँगी ऐसी जगह में, क्योंकि बच्चों को ये सब दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो उन्हें तो पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग पहले किस तरीके से रहते थे।